हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी.in. मैं हूं हिमांशी भाटिया और अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2. तो यहां पर भी आपको बहुत कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ पावर, ऑल्दो ये रूट है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि यार ये पावर नहीं है, ये रूट है. बट रूट भी पावर ही होती है. क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पूरे की पावर 1/2 रख दूं तो ये रूट के बराबर है कि नहीं है. किसी की भी पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट, किसी की भी पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, राइट? तो ये उस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें हमें लॉ लगाना है. इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने समझाया था कि किस तरीके से जब बहुत कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड या पावर दिख रहा होगा हमें लॉग लेना होता है, तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं. तो क्विकली स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आप कहेंगे कि इसको हम नाम दे देते हैं. चलिए, लेट y इक्वल टू दिस होल थिंग x-1, x-2 अपॉन में x-3, x-4 एंड x-5. ठीक है जी. तो अब ये जो रूट है ना, इसको मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा पावर बना के. तो इसको पावर 1/2 लिखेंगे हम. और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा, क्योंकि हम लॉग लेने वाले हैं. तो आप बोलेंगे ये जो y है ये इस तरीके से हो गया x-1, x-2 इस पूरे के अपॉन में x-3, x-4, x-5 और इस पूरे की पावर है 1/2. अब लॉग लेने में मजा आएगा ना. क्यों मजा आएगा? क्योंकि जब लॉग लोगे तो लॉग ऑफ दिस थिंग की पावर समथिंग आ जाएगा. और लॉग ऑफ समथिंग, लॉग x की पावर m होती है ना, तो उसको खींच के आगे ले आते हैं, लॉग x रह जाता है बस और m आगे चिपक जाता है. तो ये जो 1/2 है ये भी आगे आ जाएगा. देखो कैसे, टेकिंग लॉग बोथ साइड यहीं पे लिख रही हूं. तो लॉग y जो है वो किसके बराबर आ गया? लॉग ऑफ दिस की पावर 1/2. लॉग ऑफ x-1, x-2 अपॉन में ये तीनों x-3, x-4 एंड x-5. अब आप कहेंगे कि इस पूरे की पावर जो है वो क्या है? 1/2 है मेरी पावर 1/2. ठीक है, बट लॉग में क्या करते हैं, पावर को खींच के बाहर ले आते. तो वो आप अगले स्टेप में करेंगे अपने एग्जाम में, लेकिन मैं यहाँ पे साथ ही कर रही हूँ. इतना लिखा, अगले स्टेप में क्या करना, 1/2 को आगे चिपका देना. यहाँ पे इतना काम हो गया. अब क्या करना है? अब हम सोचेंगे कि यार इतना बड़ा सा नहीं चाहिए, इसको करते करते तो बहुत टाइम लग जाएगा ना. इतना सारा प्रोडक्ट रूल और वो डिविजन वाला क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, वो हमें नहीं करना, इनको हमें सेपरेट करना है. तो जिस तरीके से मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, फिर से लिख देती हूँ. लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी, याद है? और इसी तरीके से अगर डिवाइड में हो तो क्या होगा? अगर लॉग ए बाय बी है तो क्या करेंगे? तो माइनस कर देंगे. लॉग ए माइनस लॉग बी सेपरेट हो जाता है, इंटू में प्लस और डिविजन में माइनस. तो ये लॉग के रूल्स हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए थे. अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो, प्लीज गो एंड वॉच इट टू क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स. सो अब इसको हमें सेपरेट करना है. जैसे कि यहाँ पर हमने ए और बी को सेपरेट किया, यहाँ पर भी ए और बी को सेपरेट किया. तो आप चाहो तो इसको 1/1 की पहले क्या करेंगे, ये अलग कर लिया, ऊपर वाला नीचे वाला अलग कर लिया. लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ नीचे वाला. फिर क्या करोगे, इनको अलग अलग सेपरेट करोगे, x-1, x-2 और नीचे वाले को अलग. लेकिन मैं इतना लंबा चौड़ा काम नहीं कर रही, एक बार बस याद रखो, जो न्यूमरेटर में है उसके साथ प्लस और जो डिनोमिनेटर में है उसके साथ माइनस. यहाँ पे डिनोमिनेटर में बी था ना, ये बी है, इसके साथ माइनस आ गया. तो यही चीज अपने दिमाग में रखो और इससे सिंप्लीफाई करो. लॉग बाय किसके बराबर आएगा? लॉग x-1 प्लस लॉग x-2 प्लस, नहीं प्लस नहीं, अब माइनस आएंगे. ऊपर वाले दोनों हमने सेपरेट कर दिए, अब क्या करना है, इन तीनों को भी अलग करना है. लेकिन इन तीनों के साथ क्या आएगा? माइनस आएगा. तो माइनस
log x minus 3 minus log x minus 4 और minus log x minus 5। तो अब हम पांचों को अलग कर चुके हैं, पांच अलग अलग टर्म्स हमारे पास आ चुकी हैं, जो ऊपर था उनके साथ प्लस, मेरा प्लस, मेरा प्लस, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस ही है ना। और जो नीचे लिखे हुए हैं तीनों टर्म्स, उनके साथ हमने नेगेटिव लगा दिया। इस पूरे के बाहर 1/2 है, तो इस पूरे के बाहर भी तो 1/2 आना चाहिए, तो यहाँ पे ये मैंने ब्रैकेट बंद किया और यहाँ पे ये शुरू था और इस पूरे के बाहर क्या है 1/2। तो यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? अगर तुम इससे मैं इस पे डायरेक्टली कैसे आ गए इसमें कंफ्यूज हो, तो आराम से स्टेप बाय स्टेप इनको, पहले पांच है ना, चार को अलग करो, एक को अलग करो, ऐसे वन बाय वन करके देखो। ये दोनों फॉर्मूले यूज करके यही सेम आएगा जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन बन के तैयार है, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, dy/dx आ जाएगा बहुत आराम से, वरना ऐसे लगे रहते तो पता नहीं कब तक लगे रहते, ठीक है। सो आई एम लविंग दिस हॉजपॉज। एक काम करो, इसकी फोटो खींच लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू दिस, ट्राई टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। यहां से 1/y (y′) मिलेगा, जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो सेम मैं भी करती हूँ इसको, आप भी करो, और फिर आप अपना काम करने के बाद चेक करना कि आपने सही किया है या नहीं, और कुछ गलती है तो क्या है, बिकॉज ट्राइंग इज द बेस्ट थिंग मैथ्स में, खुद से प्रैक्टिस करना बेस्ट होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, तो मैंने क्या किया है, ये log y की वैल्यू जो हमने अभी लिखी हुई थी वही सेम, और को तो कुछ नहीं किया चेंज, सेम लिखी है, बस ये एक काम मैंने करा है, डिफरेंशिएट कर दिया उसको, ठीक है। अब log समथिंग का डेरिवेटिव होता है 1/something, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ठीक है जी, ये तो सबको मालूम है। अब इस x की जगह पे अगर कुछ और हो तब क्या करते हैं, तब लगाते हैं जी चेन रूल। तो log के अंदर कुछ भी है, स्टार मान लिया, डेरिवेटिव करोगे तो 1/star नीचे तो आएगा ही, लेकिन साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा, चेन रूल है ये, दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो अब क्या करा है मैंने, log समथिंग का डेरिवेटिव 1/something यानी कि 1/y और इनटू में उस समथिंग, उस y का डेरिवेटिव यानी कि y′ मल्टीप्लाई किया तो 1/y इनटू y′, y′/y आएगा, सेम 1/2 एज इट इज लिखा है, कांस्टेंट है। अब log x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1/x-1, अब आप कहोगे जी इनटू करो फिर x माइनस 1 का डेरिवेटिव, ठीक है, तो x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 ही होता है, ठीक है जी, प्लस log समथिंग का डेरिवेटिव 1/something इनटू समथिंग डेरिवेटिव, इसलिए log x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1/x-2 इनटू x माइनस 2 का डेरिवेटिव विच इज अगेन 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इसलिए सेम कहानी 1/x-3, 1/x-4, 1/x-5, जहां जहां पे प्लस था वहां वहां मैंने प्लस लगाया, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो जहां जहां पे तीन टर्म्स हमारी नेगेटिव थी इसलिए तीन जगह पे माइनस आएगा, और न्यूमेरेटर हर जगह 1, क्योंकि इन सारी इसका इसका इन तीनों का सबका डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए ये इतने आराम से हमारा बन के आ गया। अब हमें चाहिए y′, ना कि y′/y, तो ये अपॉन वाला y हमें नहीं चाहिए, इसको वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर लिख देंगे, तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा y′ का वो कुछ इस तरीके से आएगा, y ऊपर चला गया पूरे के साथ मल्टीप्लाई, 1/2 एज इट इज लिख रही हूँ, y ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो y इंटू 1/2, तो 1/2 पहले लिख दिया, मैं y लिखूंगी जो x के टर्म्स में दिया हुआ, ये नहीं कि y लिख के आ जाओ एग्जाम में, y नहीं लिखना, जो हमारा वैल्यू है वो लिखना है, x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। तो ये तो सिर्फ y है अभी, अब ये पूरा भी आ सकता है, तो तार में पता नहीं इतने में आ तो पाएगा नहीं, ये पूरे को तुम यहाँ पे
कॉपी करोगे एज इट इज। ये मान लो कुछ m है तो यहाँ पे साथ में m आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। फिर से कह रही हूं, ये जो पूरा बड़ा सा लिखा हुआ है साथ में लिख के आने, एग्जाम में इतना बड़ा आंसर आएगा। समझ आ गई ये बात? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, और कुछ नया नहीं है, लॉग ही लेना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। बहुत आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, बट अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉमिस करो कि आप ये क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद खुद से भी जरूर प्रैक्टिस करोगे। प्लीज कर लेना यार, इट्स गुड फॉर यू। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, हमारी वीडियोस को लाइक करते रहो। अगर कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो दैट्स ऑल, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।